Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कंट्रीब्यूशन ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म. दिस इज़ माय 26 लेक्चर यह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक सक्रियता है और जनहितवाद से संबंधित भारतीय संविधान के अंतर्गत वे कौन से प्रावधान हैं और वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों को संपादित करने की आवश्यकता पड़ी न्यायिक सक्रियता क्यों बढ़ी जुडिशियल एक्टिविज़्म क्यों बढ़ा और जनहितवाद जो जनहित याचिका है उसके माध्यम से जनहित के जुड़े मुद्दों को न्यायालय के द्वारा क्यों डिसाइड करने की आवश्यकता पड़ी जैसा कि आप जानते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए चूँकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अंतर्गत अपने नियुक्ति के दौरान शपथ लेते हैं ओथ लेते हैं संविधान की रक्षा के लिए नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए तो यह प्रश्न है कि जहाँ पर सरकार के तीन अंग यदि हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका और यदि सरकार का कोई एक अंग अपने कार्यों को एक आर्गेन अपने कार्यों को निष्पादित करने में असफल है तो क्या ऐसी स्थिति में जुडिशरी को आगे आकर के राइट अधिकारों का संक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद के मामले भारत में क्यों बढ़े और क्यों उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा मानवाधिकारों के संक्षण के लिए नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए तो आप देखें स्क्रीन पर मैंने इसको लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर शक्ति प्रथरकण का सिद्धांत नीचे लिखा हुआ विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका सेकंड मैंने जो उसको स्लाइड में बनाया है एरो करके नागरिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा विधियों का परीक्षण एवं दिशा निर्देश और थर्ड मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स जिसमें हमने लिखा हुआ है पी आई एल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जनहित याचिका का जब दो नाम आता है तो दो न्यायाधीश जो पीएन भगवती हैं और श्रीमती कपिला हिंगो रानी हम जिसको फादर ऑफ़ पीआईएल कहते हैं जस्टिस पीएन भगवती को और श्रीमती कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ़ पीआईएल कहा जाता है जनहित याचिका की जननी कहा जाता है उन्होंने बहुत प्रयास किया पी के माध्यम से बहुत सारे मामलों को एक्सपोज करने में स्लाइड पर आप देखें सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने शक्तियों के प्रथकरण को सिद्धांत को लिखा है जो पहला पॉइंट है आप सभी जानते होंगे मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच फिलासफ़र था फ्रांसीसी जो एक्सपोनेंट एक स्कॉलर था उस व्यक्ति uh, के द्वारा मांटेशू के द्वारा 1748 में सन सत्रह में एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व uh, किया गया दैट कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो सेपरेशन ऑफ़ पावर के अनुसार जो पावर है दैट मस्ट बी सेपरेटेड एमांग द आर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट आर्गेन के जो गवर्नमेंट की तीन आर्गेन है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आप सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट के यदि तीन आर्गेन हैं लेजिस्चर टू मेक द लॉ एग्जीक्यूटिव हैज टू इम्प्लीमेंट द लॉ इनाक्टेड बाय द लेजिस्लेचर जो विधायिका ने कानून बनाया है एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है एंड जुडिश्री हैज टू चेक द लीगलिटी ऑर इ ऑफ द एक्ट इनेक्टेड बाई द लेजिस्लेचर तो सरकार के तीन अंग जो हैं तीन आर्गेन हैं वह विधायिका के द्वारा विधि निर्माण किया जाना कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा निर्मित कानून को लागू करना और तीसरा जो न्यायपालिका है उसका यह दायित्व तो है संवैधानिक दायित्व तो है यह सुनिश्चित करना कि जो कानून बने हैं वह वैध हैं इलीगल हैं या लीगल हैं और मानव और अधिकारों नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना है तो तीनों अंग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें एक आर्गन दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करे न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करें या विधायिका जो है न्याय न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करें आप ये सोचें कि ये सत्रह में सेवनटीन फोर्टी में किसी एक फ्रांसीसी स्कॉलर के द्वारा जिसका नाम मांटेस्क्यू है उन्होंने इस बात को प्रबलता से स्थापित करने का प्रयास किया कि हम डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार के जो आर्गेन हैं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका इन तीनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए यह मालूम होना चाहिए कि विधायिका को क्या कार्य करना है कार्यपालिका को क्या कार्य करना है उसको मालूम होना चाहिए न्यायपालिका को क्या पावर दी गई है संविधान के अंतर्गत यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक दायरे में रहते हुए इन तीनों संस्थाओं को करना चाहिए तो मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आपको कि ये सेपरेशन आप थियरी किसने प्रतिपादित किया किस सन में प्रतिपादित किया गया उसका नाम भी कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है कि किसने किया किस सन में किया इसका तात्पर्य क्या है मीनिंग क्या है अब यदि देखें कि विधायिका का कार्य जो है लेजिस्लेचर का कार्य वह लॉ बनाना है कानून बनाना है चाहे वह सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल हैं उनका कार्य है कानून बनाना हमारे यहाँ भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन आप देखेंगे तो संसद को पावर है राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का और जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं उस पर राज्य विधानसभा को अधिकार है कानून बनाने का तो यदि विधायिका कानून बना रही है और वह कानून अवैध है या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो इसके लिए सरकार का दूसरा अंग है एग्जिक न्यायपालिका जुडिशरी तो वह उस कानून के लीगैलिटी को चेक कर सकती है कि यह नागरिक अधिकारों का वायलेशन है म, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस सीमा तक उस कानून को शून्य कर दिया जाए मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये कि जुडिशल एक्टिविज़म क्यों ये कहा जा रहा है कि जुडिशल जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गई है या जुडिशियल ओवरिच की बात कभी कभी ये कहा जाता है कि विधायिका के कार्यों को भी न्यायपालिका करने लगी है कार्यपालिका के कार्यों को भी न्यायपालिका ने एज्यूम कर लिया है आप अब ये देखें कि अगर विधायिका का कार्य है न्याय विधायिका का कार्य है लॉ बनाना कार्यपालिका का कार्य है कि उस बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना यदि दोनों में इनएडुकेसी है दोनों अगर आर्गेन गवर्नमेंट के यदि इनएडुकेट हैं अर्थात कानून या तो समय से कानून अच्छे नहीं बन पा रहे हैं या कानून बन रहा है तो उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रही है तो क्या सरकार का जो अन्य अंग है न्यायपालिका क्या न्यायपालिका को आगे आकर के नागरिक अधिकारों की संरक्षा के लिए संविधान के अंतर्गत चूंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नागरिक अधिकारों के संविधान संरक्षण की शपथ लेते हैं तो क्या शपथ लेने का उनका संवैधानिक दायित्व तो नहीं है कि वो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आगे आएँ मैं जैसे उसको उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ कि यदि नगर पालिका का दायित्व तो है अपने स्थानीय नागरिकों से वाटर टैक्स लेने का जलकर जलकर वाटर टैक्स वसूलने का जलकर अगर नगर निगम लेती है कोई नगर नागर अपने नागरिक स्थानीय नागरिकों से तो यह संबंधित जल निगम का संवैधानिक दायित्व तो है कि अपने उस स्थानीय नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराए ये कार्य कार्यपालिका का है नगर पालिका के लोगों का है लेकिन यदि वाटर टैक्स लेने के बाद भी नगर पालिका अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है और प्रदूषण जो है पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा है पॉलूश आप देखते होंगे बारिश के बरसात के दिनों में तो यदि पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा है लोग बीमार पड़ रहे हैं लोगों की जो है स्वास्थ्य पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वाटर टैक्स भी जल भी लिया जा रहा है तो इस मीन इट मीन्स की जो एग्जीक्यूटिव है नगर जो कार्यपालिका के पार्ट है वह अपने दायित्वों को निर्वहन करने में सफल नहीं है अब इसमें उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना होगा ये कहना होगा कि आपके द्वारा जो दायित्व है विधि के अंतर्गत जिस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप अपेक्षित हैं उन दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है इसलिए क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और चूँकि प्रदूषण जो है मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार व्यक्ति के मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है यदि आप उसमें असफल रहते हैं प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराने में तो ये आपकी संवैधानिक विफलता मानी जाएगी तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं तो सरकार का अगर कोई भी एक ऑर्गेन एक्टिव आक, हो जा रहा है उसका एक्टिविज़म हम इस आधार पर आ, उसको अवैध नहीं ठहरा सकते कि यह ओवरलैपिंग है न्यायपालिका का विधायिका के कार्यों में या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता है ये वही बुनियादी प्रश्न थे जब उच्चतम न्यायालय को ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार का यदि कोई भी आर्गेन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका जो है वह मूक दर्शक के रूप में नहीं रह सकती है संविधान के अंतर्गत चूँकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान संरक्षण की शपथ लेते हैं तो वे मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठ सकते और नागरिक अधिकारों के लिए जब भी ऐसे मामले उनके समक्ष लाए जाएंगे तो वे उस पर कार्रवाई करेंगे चाहे भले हुए कार्य कार्यपालिका से संबंधित ही क्यों न हो तो इस इन्हीं अवधार इन्हीं उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक पीआईएल के कॉन्सेप्ट को जनहित याचिका के अवधारणा को विकसित किया गया कि ऐसा कोई भी मामला जिसमें जनहित से जुड़ा हुआ जो मुद्दे हैं जो सोसाइटी एट लार्ज को समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है ऐसा कोई भी कार्य यदि ऐसे लोग जो अपनी निर्धनता के कारण अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मामले को न्यायालय में लाने में असमर्थ हैं अक्षम हैं तो उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में उनके मामले को ला सकता है और हम उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस स्थिति में इस ट्रेडिशनल परंपरागत विचारधारा पर बल नहीं देगी कि आ, केवल वही व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आ सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जो परंपरागत जो थियरी है कि ओनली एग्रीब्ड कैन सीक द जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट जो पीड़ित है वही न्यायालय के समक्ष आ सकता है इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जो एग्रीब्ड है वह न्यायालय के समक्ष में ही और सी इज़ नॉट इन पोजिशन टू कम बिफोर द कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी यदि निर्धनता के कारण वह न्यायालय के समक्ष आने में असमर्थ है तो उसकी तरफ से समाज का कोई भी व्यक्ति जो जनहित में रुचि रखता है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में उसके मामले को ला सकता है इन्हीं अवधारणाओं के तहत भारत में जनहित याचिका का विकास हुआ और भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह उन्नीस सौ नाइनटीन के दशक में भारत में एक ऐसा न्यायिक इतिहास में जुडिशियल हिस्ट्री में उच्चतम न्यायालय ने एक नई क्रांति लाई जिसमें कि व्यथित व्यक्ति पीड़ित पक्षकार के निर्धनता निर्धन होने के कारण यदि वह अपने मामले को न्यायालय में लाने में समर्थ है तो उसकी तरफ से समाज का कोई भी व्यक्ति जो उसके मामले को न्यायालय के समक्ष ला सकता है उसको अनुमति प्रदान कर दी गई कि वह उसके मामले को न्यायालय में लाए हम इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन साधारण भाषा में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संज्ञा देते हैं और आप सभी ये जानते होंगे कि आप स्लाइड पर देखें इसको मैं न्यायिक सक्रियता क्यों है मैंने इसको जस्टिफिकेशन किया है किस आधार पर जुडिशल जुडिशरी का एक्टिव होना आप उसको लिजिटमाइज कर सकते हैं जायज़ ठहरा सकते हैं तो न्यायिक सक्रियता इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय के लिए सोशल जस्टिस वैसे कानून के माध्यम से सामाजिक न्याय हो सुनिश्चित किया जाना चाहिए समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धन वर्गों के लिए उनको निःशुल्क आर्थिक सा, उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाए उनको फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान किया जाए जो चिकित्सीय सुविधा है निर्धनता के कारण यदि अपना इलाज कराने में समर्थ हैं तो उन्हें सरकारी खर्चे पर निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाए यदि निर्धन गरीब है उन्हें अगर दो वक्त की रोटी नहीं है तो उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की भी राज्य की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है यह नागरिक अधिकार के संरक्षण के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका सक्रिय हो न्यायपालिका की सक्रियता आवश्यक है ये ऐसे मुद्दे हैं आप यदि इसको गहनता से अध्ययन करेंगे विश्लेषण करेंगे सभी छात्र तो आप ये पाएंगे कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने अभी आपको जस्ट बताए हैं इन्हीं ये ऐसी ये ऐसे कारक हैं ये ऐसे फैक्टर हैं कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जुडिशियल एक्टिविज़्म ये न्यायपालिका की सक्रियता के लिए यही ऐसे मुद्दे हैं जो न्याय न्यायपालिका सक्रिय हुई है आपने देखा होगा कि भारत में विगत कई वर्षों में जब भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आने लगे कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है तो उसमें भी स्कैम हुआ टू जी स्कैम हुआ कोल आवंटन हो रहा है कोल आवंटन स्कैम किया गया फिर ऐसे ही पेट्रोल पंप का आवंटन ही किया जा रहा है पेट्रोल पंप स्कैम हो गया तो इतने फोड़र स्कैम हुए ऐसे इतने स्कैम हुए भारत में भ्रष्टाचार इतने चरम पर बढ़ा कि जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप करने लगी अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ और किन किन आ, मामलों में केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए न केवल भ्रष्टाचार की रोकथाम की बल्कि भ्रष्टाचारियों को उसके लिए सजा भी दिलाने का प्रयास किया है पी कैसे हम इसको इस व्याख्यान के अंतर्गत ये भी देखेंगे कि हाउ पी आई एल हैज़ बिन इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग करप्शन हाउ पी आई एल हैज़ बिन इफेक्टिव टू कंट्रोल करप्शन इन इंडिया और पीआईएल हैज़ बीन ट्रीट कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सामाजिक परिवर्तन का साधन हुआ है जनहित याचिका भारत में इसका भी अध्ययन करेंगे केस के माध्यम से करेंगे कि किन किन केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जनहित याचिका जो है वह सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बन के उभरा है भारत में तो अब इसको एक एक करके देखते हैं कि पी जो जनहित याचिका है वह क्यों अस्तित्व में आई कौन से उसके कारक हैं मैंने अभी आपको जस्ट को बताया जस्ट आपको बताया दूसरा आप देखें इस स्क्रीन पर कि एक कॉन्सेप्ट है मैंने इसको लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल इसको ब्रीफ में बोलते हैं एक तरफ मैंने लिखा हुआ लोकस स्टेंड आई यह जो लोकस स्टेंड आई है आप ये समझ समझते हों कि जो लैटिन वर्ड है ओ बी जस इबी रेमेडियम इंग्लि इस ओ बी जस इबी रेमेडियम का जो इंग्लिश वर्धन है अंग्रेजी अर्थ अर्थ है वह है कि वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी तो ओबीज बी जैसी का मतलब हो गया कि वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार का होना आवश्यक है यदि अधिकार को हम किसी भी दस्तावेज के माध्यम से नागरिक अधिकारों को बहुत अच्छे अच्छे उनको अधिकार दे दें लेकिन अधिकार के उल्लंघन होने पर हम कोई एक इफेक्टिव मशीनरी हमारे पास ना हो उस अधिकार के उल्लंघन की, की स्थिति में उनको लागू करने के हमारे पास कोई आ, संसाधन ना हो मेथड ना हो तो उनको उनको उस डॉक्यूमेंट के द्वारा दिया जाना या देश की सर्वोच्च विधि के द्वारा दिया जाना उनका उनको मौलिक अधिकार या कितने भी अच्छे अधिकार उनको राइट्स क्यों दिए गए हों नागरिकों को लेकिन नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अगर उपचार की कोई व्यवस्था ना हो रेमेडी ना हो तो उस अधिकार का कोई अर्थ नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ राइट देयर मस्ट बी रेमेडी जहाँ पर अधिकार है वहाँ उपचार का होना आवश्यक है और इस जो उक्ति को इस प्रोवर्व को हमारे भारतीय संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत 32 के अंतर्गत प्रदान किया गया है संविधान के आर्टिकल 32 टू यह कहती है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है बिना किसी अन्य न्यायालय में गए हुए तो यह जो सूत्र है फार्मूला है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत स्वयं हमारा जो संविधान है देश का वह इसे रिकग्नाइज़ करता है तो हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय संविधान नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत किसी भी अग्रीव व्यथित पक्षकार के मामले को सुन सकता है तो एक लोकस सिस्टेंड आई का जो कॉन्सेप्ट है कि राइट टू अपियर बिफोर द कोर्ट राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट लोकस स्टेंड आई आप सभी जानते होंगे इस शब्दावली को का जो अंग्रेजी अर्थ है वह है राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट हिंदी अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार तो ल, ल, लोकस से अगर आपके पास नहीं है तो न्यायालय आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है कह सकता है जब इफ यू आर नॉट एग्रीव्ड देन व्हाई यू हैव कम बिफोर द कोर्ट जब आप एग्रीव नहीं हैं तो आप किस क्यों न्यायालय के समक्ष आए हैं तो न्यायालय के समक्ष कोई भी व्यक्ति अब जब तक एग्रीव्ड नहीं है जब तक उसके अधिकारों का वायलेशन नहीं हुआ है तब तक वह जुडिशरी के समक्ष आवेदन नहीं कर सकता है यह एक ट्रेडिशनल अप्रोच है एक स्थापित सिद्धांत है परंतु वे व्यक्ति जो समाज की वे व्यक्ति जो समाज में निर्धन हैं गरीब हैं निर्धनता के कारण अज्ञानता के कारण इलिटरेसी के कारण वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं उनके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है परंतु वे नहीं जानते हैं दे आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड किसके लिए कोई रेमेडियल सिस्टम है कोई उपचारात्मक व्यवस्था है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनके मामले को उच्चतम न्यायालय में समाज का कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है और उनको न्याय उपलब्ध करा सकता है तो यही कॉन्सेप्ट है कि लोकस लोकसाई को डायल्यूट कर दिया गया कि न्यायालय अब इस सिद्धांत पर बल नहीं देगी व्यक्ति से यह नहीं पूछेगी कि इसमें जब आप एग्रीव नहीं हैं जब आप पीड़ित नहीं हैं तो आप माँ उस, उस कोर्ट के समक्ष क्यों आए हैं तो लोकल से शाई को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया और डाइल्यूट करने का कारण जो है मैंने आपको बताया सोशल सोशल कॉज था सामाजिक कारण था कि समाज में उपेक्षित वर्गों को कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से विपन्न वर्गों को न्याय उपलब्ध कराना निर्धनता गरीबी व्यक्ति को न्याय पाने में बाधक न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका वाद को स्वीकार किया गया अब आ, इसको देखेंगे कि पी कौन कर सकता है पी के लिए क्या क्राइटेरिया है कोई भी व्यक्ति पी कर सकता है जो जनहित में विश्वास रखता है और आप इसमें जनहित याचिका के लिए आवेदन जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंतर्गत एप्लीकेशन कि ऐसे पर पी आई माना जाए या यदि सुप्रीम कोर्ट को मात्र लेटर ही लिख दिया जाए पत्र ही लिख दिया जाए और पत्र में उस उन सामाजिक मुद्दों को उठाया जाए जिसमें कि समाज के बहुत 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 बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पत्र को भी उस लेटर को भी याचिका मानते हुए स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकती है उसे याचिका मानते हुए उस पर कार्रवाई कर सकती है मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि पी तीन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है पहला तो पी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कोई भी व्यक्ति अप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि इस समाज के पचास सौ लोगों का जो फंडामेंटल राइट right है इनके राइट right का वायलेशन किया गया है चूँकि पब्लिक होना चाहिए व्यक्ति अपने अधिकार का अगर उसने फ्रिज टी खरीदा है उसमें कुछ डिफेक्ट आया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकता है आप सभी को मालूम है लेकिन अगर जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है लोगों के अधिकारों का अवालेशन हुआ है सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया लेकिन उनको मुआवजा ही नहीं दिया पैसा ही नहीं दिया तो ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा या किसी भी रियायसी एरिया में अगर कोई ऐसा नर्सिंग होम जिससे पूरा रियायसी एरिया प्रभावित हो रहा है सारे लोग बीमार हो गए हैं वहाँ पे जो वेस्ट डंप हो रहा है कचड़े जो डंप किए जा रहे हैं उससे प्रभावित हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सकता है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इस पर मान्य उच्चतम न्यायालय आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत इस आवेदन को स्वीकार करे एक दूसरा हो गया कि व्यथित व्यक्ति स्वयं अगर सक्षम है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है शिक्षित है आर्थिक रूप से संपन्न है तो वह सीधे अपने उस ग्रुप के उस समूह के आवाज को मुद्दे को न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से उठा सकता है तीसरा कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा से सुमोटो काग्निजेंस ले सकता है समाचार पत्र में अगर कोई अखबार कोई किसी समाचार पत्र में अगर ये प्रकाशित हो जाए कि भारत में निर्धनों की कोई मदद नहीं करता और वास्तव में वह वा मुद्दा सही है सत्य है तो उसी समाचार पत्र में प्रकाशित उस लेख के आधार पर उन निर्धन बर, निर्धन व्यक्तियों के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए उन्हें न्याय प्रदान कर सकता है तीन परिस्थितियाँ हो गई एक तो एग्रीड पार्टी जो व्यथित पक्षकार है अग्रीब्ड है वह उस ग्रुप के मामले को जन जनहित के मुद्दे को न्यायालय में ला सकता है अप्लीकेशन स्वयं अप्लीकेशन आवेदन दे करके दूसरा मैंने बताया कि निर्धन गरीबों के मामले को जो जो अपने निर्धनता के कारण या ज्ञानता के कारण न्यायालय में नहीं आ सकते उनके मामले को कोई भी व्यक्ति ला सकता है सुप्रीम कोर्ट में तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ये दोनों स्थितियां ना हो तो सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से कन्वीनेंस ले सकता है कि समाचार पत्र में टेलीविजन में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इतनी मौत हो गई इस पर प्रशासन लापरवाह है कोई कार्रवाई नहीं की गई निर्धन व्यक्तियों की मौत हुई उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है और कई ऐसे बार हुए हैं मैं अभी उसको केस के माध्यम से बताऊंगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्र में प्रकाशित लेख के आधार पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर दी और राज्य सरकार को निर्णित किया कि ये राज्य सरकार को विवश किया कि उसमें एक कंपनसेशन दें मुआवजा दें प्रतिकर उपलब्ध कराएं तो पीआईएल के इवॉल्यूशन के विषय मैंने आपको बताया पीआईएल कौन कौन कर सकता है बेनिफिशरी कौन है इसके लाभार्थी ग्रुप कौन है मैंने आपको ये बताया अब आते हैं स्लाइड पर देखें कि पी की भूमिका सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने में कहाँ पर है सोशल जस्टिस इंश्योर करने में पी का क्या रोल है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नागरिक अधिकारों के संरक्षण में इसका एक प्रभावी संसाधन है हाँ और PIL has been हैज़ means इफेक्टिव मीन्स इन सिक्योरिंग सोशल जस्टिस इन इंडिया सोशल जस्टिस करने में भारत में PIL एक महत्वपूर्ण मीन्स संसाधन बन के उभरा है कैसे अब इसको देखते हैं के केस के माध्यम से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे आप सभी जैसा कि जानते हैं जब ये पी आई एल का कॉन्सेप्ट का आया तो पहला केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया दो हज़ार दो में पी राइट टू तो फूड को लेकर के एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उड़ीसा में उड़ीसा राज्य में कालाहांडी, हांडी केवझर मयूरभंज ऐसे प्रभा ऐसे एरिया हैं जो ट्राइबल कंसर्न ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे कि जनजाति ऐसी जनजातियाँ हैं भारत की जो कि भूख के मतलब भोजन के अभाव में उनकी मौत हो रही थी और भारत में जो एफ है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसको फूड ग्रेन्स जो प्रिजर्व करने के लिए सरकारी संस्था मानी जाती है प्रत्येक ज़िले में एफ की ऑफिस होती है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिस होती है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि कुछ अनाज कुछ खाद्यान्न जो फूड ग्रेन्स हैं खाद्य सामग्री हैं उनको प्रिजर्व किया जाए जिससे कि कोई आप प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उस समय उसको सप्लाई किया जाए दूसरी बात जो हमारा पीडीएस सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वालों को निःशुल्क जो और फ्री ऑफ कास्ट भोजन दिया उपलब्ध कराया जाता है कुछ निश्चित मात्रा में उनको अनाज उपलब्ध कराया जाता है वो भी सप्लाई गवर्नमेंट करती है वहाँ से तो ये जनहित याचिका एक दायर की गई कि जब भारत में खाद्यान्न के मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और विदेशों को हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी स्थिति में भारत में कुछ राज्यों में ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं कि जिसमें भूख से व्यक्ति मर रहे हैं मौत हो रही है और ये साबित हो गया समाचार पत्र के माध्यम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि ये गरीबों का को कोई भगवान नहीं कोई ईश्वर नहीं इनकी मौत हो रही है खाने के बिना ये मर रहे हैं इसी मामले को पी एक संस्था है एक गैर सरकारी संस्था एन है पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी उसने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में पी आई जनहित याचिका दायर की कि जब भारत में भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है बावजूद उसके भारत में कुछ राज्यों में भूख से मौत के मामले प्रकाश में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित राज्य को निर्देश दिया कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी यह सुनिश्चित करें कि उन राज्यों में उन संबंधित राज्यों में मतलब भारत के प्रत्येक राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी मामला भूख से मौत संबंधी नहीं आएगा और यदि आता है तो यह राज्य की संवैधानिक विफलता मानी जाएगी संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि वह प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो प्रत्येक प्रदेश का तो चीफ सेक्रेटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पी के केस में सर्वप्रथम दो में यह रिकग्नाइज किया गया कि राइट टू फूड आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू फूड इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार का जो भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है भोजन का अधिकार उस जीवन के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा संविधान में यदि भारत में मौत जो है डेथ हो रही है स्टारन डेथ हो रही है भूख से मौतें हो रही हैं तो हम उस जीवन के अधिकार को उन व्यक्तियों के लिए कोई मतलब नहीं होगा जो निर्धन हैं गरीब हैं और भूख से जिनकी मौत हो रही है इसलिए फूड रोटी कपड़ा और मकान जो तीन बुनियादी सुविधाएं हैं तीन बुनियादी आवश्यकताएं हैं प्रत्येक सभ्य समाज के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है कि अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा करें और यदि नाग यदि कोई भी राज्य संबंधित राज्य अपने नागरिकों के जान को मतलब जीवन को बचाने में असंभल रहता है तो यह उस राज्य की विफलता मानी जा सकती है तो पी यू सी एल की केस में सर्वप्रथम 2002 में दो हजार दो में आप देखिए यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि राइट टू फूड इज अलाउ फंडामेंटल राइट इसके पहले नहीं था संविधान में भी नहीं था ये हमारा जो राइट आया ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण आया यदि कार्यपालिका इसमें सक्रिय होती यदि एफसीआई सक्रिय रही होती हर जिले में अगर खाद्यान्न सामग्री की स्थिति सही रही थी तो शायद हो सकता है भूख से मौत के मामले जो है इस प्रकार से नहीं आते और उच्चतम न्यायालय तक ये मामला नहीं गया होता तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट घोषित कर देने से एक बात ये क्लियर हो गई कि जनहित याचिका कैसे भारत के उस वंचित समाज को उस वंचित वर्ग को जो अपनी निर्धनता के कारण गरीबी के कारण भूख से दो वक्त की रोटी जुड़ाने में वे असमर्थ है उनको भी अब राज्य फ्री ऑफ कास्ट भोजन सामग्री उपलब्ध करा रही है यह हस्तक्षेप 2002 में उच्चतम न्यायालय के करने के पश्चात हुआ है परंतु एक बात मैं एक क्लियर कर दूं कि जो राइट टू फूड है या राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है सबके लिए नहीं है कि सभी लोग कहें कि राइट टू फूड हम लेंगे इसमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है ऐसा नहीं है यह राइट टू फूड उनके लिए है जो बीपीएल कार्ड दे आर हैविंग बी कार्ड जो निर्धनता रेखा से नीचे रहे हैं गरीब हैं जो अपना एफोर्ड नहीं कर सकते भोजन को उनके लिए जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आप देखें स्क्रीन के माध्यम से अब ये राइट टू फूड हो गया रोटी के राइट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट है ये निर्धन व्यक्ति इसको अगर निर्धन व्यक्ति को अगर उसे भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो उसकी तरफ से समाज का कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता ही एडवोकेट ही क्यों ना हो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ला सकता है कि ऐसे व्यक्ति निर्धन है इनको भोजन नहीं मिल रहा है उनके मामले को जनहित का मामला मानते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे कोई भी व्यक्ति जो उसमें रुचि रखता है ला सकता है दूसरी स्थिति हो गई आप स्क्रीन पर देखें राइट टू सेल्टर अब राइट टू फूड हो गया भोजन हो गया तो सेल्टर भी होना चाहिए राइट टू सेल्टर इज आल्सो फंडामेंटल राइट आश्रय का अधिकार यह भी संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जीवन के अधिकार हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को तब तक अछुण नहीं रख सकते मेंटेन नहीं रख सकते जीवित होने के लिए जैसे रोटी आवश्यकता है वैसे ही छत की आवश्यकता है तो फूड भोजन की आवश्यकता है यदि जीवन के लिए तो वैसे ही आवश्यकता है उसको शेल्टर के लिए उसको आश्रय दिया जाए आपने देखा होगा कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो आश्रयहीन हैं जिसके पास सेल्टर नहीं है जो होमलेस हैं जिनके पास घर नहीं है रहने को घर नहीं है उनके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से बाल्मीकि आवास योजना ऐसी ये जो आवास योजना आप सभी छात्र देखते होंगे ये आवास योजना कहीं अपने आप से नहीं आई आवास ये आवास योजनाएं तब आई जब उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया कि ये राज्य ये राज्यों का संवैधानिक दायित्व तो है कि वे अपने गरीब निर्धन नागरिकों को जो होमलेस हैं जिसके पास अपना घर नहीं है छत नहीं है उनको निःशुल्क आश्रय प्रदान किया जाएगा उनको फ्री ऑफ कास्ट सेल्टर प्रदान किया जाएगा और शेल्टर का जो राइट है ये उनका फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिक होने के नाते इस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चमिली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की केस में सर्वप्रथम पहली बार डिसाइड किया गया कि दैट इज़ फंडामेंटल राइट टू इज़ आल्सो अ फंडामेंटल राइट और समाज अगर जैसे हम माने कि जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है पूरी आबादी का 26 पहले पहले था कि 26 परसेंट जो है वो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं 26 परसेंट लोग अभी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है मान लीजिए हम अगर हम वो 20 परसेंट ही माने 21 परसेंट वैसे अगर 20 परसेंट मान लें कि पूरी आबादी का 20 परसेंट अभी भी 20 प्रतिशत अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अब गरीब कौन है उसकी परिभाषा यदि आप देखेंगे तो आश्चर्य होंगे कि गरीब वक्त वह है अब कैलोरी के हिसाब से कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी से कम इक्कीस कैलोरी से उनका कंजम्पशन उपभोग कम है तो वे गरीब माने जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति वे गरीब हैं जो 2400 कैलोरी से कम कम उनका कंजम्पशन है तो ये गरीबी की परिभाषा वैधानिक परिभाषा लीगल डिफिनेशन है कि गरीब ये हैं अब इन दो क्राइटेरिया के आधार में शहरी क्षेत्रों में कुछ कैलोरी कम है ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी को ज़्यादा बढ़ाया गया है अब ऐसी स्थिति में उनको राइट टू फूड हम भोजन के अधिकार को भी दे दिए राइट टू सेल्टर को भी दे दिए कि उनके पास सेल्टर भी होना चाहिए ये इसी के पश्चात इसी केस ये मामले डिसाइड करने के पश्चात ही प्रत्येक राज्यों ने अपने यहाँ आवास योजनाएं लागू की हैं ये जितने भी शहरी आवास योजना हो या ग्राम आवास इंदिरा ग्राम आवास योजना वाल्मीकि आवास योजना जितनी हम आवासीय योजना देखते हैं चाहे वह शहर में हो या ग्राम क्षेत्रों में हो वो केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ऐसे आए कि राइट टू सेल्टर को हम जब इस अधिकार से फंडामेंटल राइट से जोड़ देंगे तो वह व्यक्ति सीधे कोर्ट में आएगा और फिर कोर्ट से हम उसको एग्जीक्यूटिव को कंपेल करेंगे कि आपके किन होमलेस ये होमलेस हैं तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार के मामले आएंगे सरकार होगी कोई सरकारें होंगी उनको एक मैसेज देना है कि जनता हमारे जो नागरिक हैं अगर होमलेस हैं तो ये भी एक गलत मैसेज आएगा किसी भी देश के लिए अब इसके पश्चात जितने भी विकास के कार्य आपने देखे होंगे कि राइट टू फूड हो गया तो भारतीय संसद के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया कानून एक कहा गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम वैसे ही आश्रय से संबंधित कानून आया लॉ बनाया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो न्याय निर्णय देगी लेकिन पूरा लीगल फ्रेमवर्क उसको क्या कितने कौन बेनिफिशियरी होंगे कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा उस शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए कौन सी एजेंसी कौन सा आ, कौन सा अधिकारी ऑफिसर काम करेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन काम करेगा ये पूरा फ्रेमवर्क लॉ के द्वारा ही संभव है इसलिए विधायिका उस पर कानून बनाती है लेकिन आप देखेंगे जब विश्लेषण करेंगे एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि न्यायपालिका के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया है तो आ, उस हस्तक्षेप के बाद ही ये सारी चीज़ें कानून धीरे धीरे जो है अस्तित्व में आया है अब हम इसको देखते हैं दूसरा इसका जो पीआईएल का दूसरा एस्पेक्ट है परिपे इसका पहलू है वह कि नागरिक अधिकार संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है इस स्लाइड दूसरा इसका जो पक्ष है आप देखें मैंने स्लाइड में तीन केस बनाया है तीन अतिरिक्त केस हैं सुनील बत्रा वर्ष डेली एडमिनिस्ट्रेशन ए आई आर दूसरा केस है हुसैन आरा खातून वर्ष स्टेट ऑफ बिहार मैंने इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा है राइट टू तो स्पीडी ट्रायल इसको भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया खत्री वर्ष स्टेट ऑफ बिहार राइट टू फ्री लीगल एड तीन केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो नागरिक अधिकारों के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने क्या भूमिका प्रस्तुत की है या पीआईएल कितना महत्वपूर्ण रहा है सुनील बत्रा की केस में एक तथ्य क्या है मैं इसको संक्षेप में बता दूं कि सुनील बत्रा पत्र के माध्यम से पोस्टकार्ड पहले होता था पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराता सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख देता है जेल के जेल में जो बॉक्स लेटर बॉक्स होता है उसी में उसने डाल दिया पोस्टकार्ड में लिखते हुए कि सुनील बत्रा का जो कैदी है एक तिहाड़ जेल में बंद कैदी है यह अपनी जो है व्यथा को और अपने साथ रहने वाले कैदी के ग्रीवांश को उसकी प्लाइट को उसने उस लेटर के माध्यम से रेज किया और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया कि तिहाड़ जेल जो आदर्श कारागार माना जाता है वहाँ पर उसके सहयोगी कैदियों के साथ सेपरेट जेल में रखा गया है एकांत कारावास में रखा गया है उसको समय समय से भोजन दे दिया जाता है और ऐसे उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र को ही उस, उस लेटर को ही याचिका मानते हुए पिटिशन मानते हुए और उस पर एक जज को कमेटी इन्क्वायर की कि ये कमेटी कॉन्स्ट्यूट की कि ये देखें कि क्या ये एलिगेशन आरोप सही है जब आरोप सही पाया गया तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम इस केस में निर्णित किया गया कि कैदियों के विरुद्ध अमानवीय व्यवहार किया जाना संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रदत्त उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित जेल अधिकारी को उसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा ये बातें क्लियर हो गई कि जेल के भीतर भी मात्र व्यक्ति का जेल के भीतर जाना या मात्र व्यक्ति का अभियुक्त हो जाना वो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो जाता या मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता वे उसके प्रति अमानवीय अमानवीकृत्य करना उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करना यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है दूसरा जो सिद्धांत है जो जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कार्य करने के लिए वह है प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न हो जाए अगर विचाराधीन कैदी है जब तक उसका दोष साबित न हो जाए न्यायालय के समक्ष कि यह दोषी है तब तक उस व्यक्ति को वे समस्त सुविधाएँ अवेल करने का अधिकार है जो एक मानव होने के नाते मानव को प्राप्त है जीवन का अधिकार है भोजन का अधिकार है उसको स्वास्थ्य का अधिकार है बीमार है तो उसकी चिकित्सा होनी चाहिए ये सारी चीज़ें ये सारी जो बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं बेसिक रिक्वायरमेंट हैं ह्यूमन बींग होने के नाते मानव होने के नाते उसको भी उपलब्ध होने चाहिए तो सुनील बत्रा की केस दो पॉइंट से आपको याद रखना है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि कैदियों को भी अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है यदि जेल में बद्ध निरुद्ध कैदियों के प्रति जेल प्राधिकारी के द्वारा कोई अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो यह उनके आर्टिकल इक्कीस में प्रदत्त मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन होगा कैदियों को भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है जो आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत राइट टू लाइफ जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विथ ऑल ह्यूमन डिग्निटी तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने के लिए जितने उसके इसेंशियल कंपोनेंट हैं आवश्यक कंपोनेंट हैं वह पूर्ण करना चाहिए अगर उसमें एक भी मिसिंग है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी यह प्रोटेक्शन सुनील बत्रा की केस में कहा गया मैंने उसको फैक्ट संक्षेप में आपको बताया सेकेंड केस आप देखें इस स्क्रीन पर हुसैन आरा खातून वर्स स्टेट ऑफ बिहार इस केस में मैंने आपको उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल आई जनहित याचिका के माध्यम से हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की केस में पहली बार सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में यह निर्णय किया कि वे विचाराधीन वे आ, महिला कैदी जो लंबे समय से जेल में निरुद्ध थी हुसैन आरा हुसैन आरा खातून वाजवान ऑफ देन एंड दे वे आर वेटिंग फॉर देयर ट्रायल वे ट्रायल विचाराधी वे विचाराधीन कह दी थी और ये इंतजार कर रही थी कि उनके मामले का निस्तारण कर दिया जाए यदि आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें दो सिद्धि किया गया होता समय से ट्रायल हुआ होता और उन्हें कन्विक्ट किया गया होता तो उससे कम समय में वह जेल से बाहर आ गई होती लेकिन बावजूद जो है जो अपराध उनके द्वारा किया गया था उससे अधिक समय से वे जेल में थी तो इसको गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीडी ट्रायल है राइट टू स्पीडी ट्रायल है दैट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है हम किसी भी व्यक्ति को पुलिस की आक्रमणता के कारण या राज्य की मशीनरी की आक्रमणता के कारण हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को अनिश्चित काल के लिए हम वंचित नहीं कर सकते तो इस हुसैन आरा खातून के केस में स्पीडी ट्रायल को पहली बार जीवन के अधिकार का अभिन्न भंग अभिन्न भाग माना गया और आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया फंडामेंटल राइट की श्रेणी में ला देने से अब वो जो अंडर ट्रायल पिजनर हैं वे भी अपने मामले को सुप्रीम को जी भी विचाराधीन कैदी हैं वे जिला स्तर न्यायालय में कह सकते हैं कि उनके मामले का ट्रायल विलंब हो रहा है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर होता है तो डिस्ट्रिक्ट सबार्डिनेट कोर्ट का कोई भी एक्यूज जो अभियुक्त है वो न्यायालय में कह सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में इस केस को डिसाइड किया है तो यह इक्कीस जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इस मामले को एक्सपर्टाइड किया, किया जा सकता है उसको शीघ्रता से निस्तारित किया जा सकता है थर्ड ऐसा मैटर है खत्री वर्ष स्टेट ऑफ बिहार स्क्रीन पर आप देखें खत्री वर्ष स्टेट ऑफ बिहार राइट टू फ्री लीगल एड एक ऐसे जनहित के माध्यम से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित किया हम इसको भागलपुर ब्लाइंडेड स्क्रीन पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ भागल भागलपुर ब्लाइंडेड प्रिजनर केस के नाम से भी जानते हैं बिहार राज्य में भागलपुर एक ऐसा प्लेस है स्थान है जहाँ पर कि पूछताछ के नाम पे पुलिस वालों ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के पश्चात जो है उनके अन्वेषण के दौरान उनके आंख में एसिड या उनकी आंखें फोड़ दी गई मतलब इस प्रकार के जो है ब्रूटल एक्टिविटीज़ की गई कस्टोडियल वायलेंस हुआ यह मानवाधिकार ह्यूमन राइट में भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत भी इम्पॉर्टेंट है पी आई कैसे इसमें जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले को कैसे रेज किया गया ये भी मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ करूँगा कि जब वे कैदी कैदी जिसको जो अन्वेषण के दौरान पुलिस वालों ने उनके उनके उनकी आंखें फोड़ दी और उनकी आंख की रोशनी सदैव के लिए चली गई उनको बिहार से शिफ्ट करके दिल्ली इलाज करने के लिए भेजा गया क्योंकि वे समाज के ऐसे वर्ग से आते थे जो अभियुक्त थे जे दे वे नॉट इन पोजिशन टू इंगेज देयर काउंसिल इन द कोर्ट वे आर्थिक स्थिति से इतने कमज़ोर थे कि अपने अधिवक्ता की नियुक्ति भी न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकते थे वह इलिटरेट भी थे वह अपने वे शिक्षित भी थे साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर थे अब उनके मामले को बिहार में जैसे मैंने आपको बताया हुसैन आरा खातून है वैसे खत्री वैसे स्टेट ऑफ बिहार की केस है इस मामले में कपिला हिंगुरानी नाम की एक अधिवक्ता थी जो कि बहुत जिसको हम मदर ऑफ पी कहते हैं जनहित याचिका की जन्नी कहते हैं भारत में उन्होंने इस मामले का लड़ने का बीड़ा उठाया और उन अभियुक्तों के तरफ से उन्होंने केस फाइल किया कि चूँकि ये समाज के ऐसे वर्ग ऐसे तबके से आते हैं जो अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो अपने मामले को जिला न्यायालय में भी नहीं लड़ सकते अपना अधिवक्ता नहीं कर सकते इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से पूछा कि जब उन अभियुक्तों को पहली बार न्यायालय में पेश किया गया तो क्या मजिस्ट्रेट ने उनसे ये पूछा कि वे निर्धन हैं और निर्धन हैं तो उनको फ्री ऑफ कास्ट अधिवक्ता क्यों नहीं उपलब्ध कराया तो आप ये देखें मतलब एक ऐसा जैसे कहानी की तरह लगती हैं सब सारे मामले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछा गया तो राज्य सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता उस सुप्रीम कोर्ट में अपियर हो रहे थे उन्होंने जवाब में क्या समीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि इन लोगों ने न्यायालय के समक्ष यह मांग ही नहीं की कि हमको अधिवक्ता नियुक्त किया जाए फ्री ऑफ कास्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनको जानकारी नहीं थी दे वे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स उनको ये सब मालूम ही नहीं था कि कानूनी में कानून में कोई ऐसा भी प्रावधान है जो अधिवक्ता नियुक्त करने की बात करता है फ्री ऑफ नियुक्त करने की बात करता है वे पढ़े लिखे नहीं थे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे यदि वे मांग नहीं किए तो ये ड्यूटी है किसकी इट इज द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोवाइड काउंसिल फ्री ऑफ कास्ट ये मजिस्ट्रेट का दायित्व तो है कि वह अधिवक्ता की निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था करे ऐसे लोगों को जो निर्धनता के कारण अपने अधिवक्ता न्यायालय में नियुक्त नहीं कर सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब यह हस्तक्षेप किया गया तो निश्चित यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि चूंकि उन्नीस में नाइनटीन का एक कानून है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता जिसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त को जो निर्धन है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा ये स्पष्ट प्रावधान 1973 में है तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब ये प्रावधान 1973 में है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये क्यों नहीं पूछा गया कि क्या उनको फ्री लीगल एड की आवश्यकता है और मजिस्ट्रेट का यह तर्क मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि उन लोगों ने चूंकि डिमांड नहीं की तो मजिस्ट्रेट ने यह तो मजिस्ट्रेट ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट पढ़ा लिखा है उसको उस प्रोसीजर की जानकारी है एंड मजिस्ट्रेट दे आर सपोज टू नो प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइड बाई द लॉ उनको प्रोसीजर जो लॉ में है उनको मालूम होना चाहिए वह अभियुक्त अगर ना भी पूछते हैं तो भी उनका ये उनका उनका ये विधिक कर्तव्य है कि ऐसे मामलों में वह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएं वह राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराएं जिससे कि वह अपना बचाव कर सकें अब एक बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया ये कहा कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है राइट टू लाइफ का ये इसेंशियल कंपोनेंट है हम राइट टू लाइफ को का राइट टू लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते कल्पना नहीं कर सकते यदि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाता है तो व्यक्ति की निर्धनता उसके न्याय पाने में बाधक नहीं होगी हम उसके जीवन के अधिकार से उसको हम वंचित नहीं कर सकते इसलिए प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करना यह राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है न कि राज्य की, राज की चैरिटी है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ये भी कहा कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड काउंसिल टू द पुअर लिटिगेंट्स जो निर्धन जो व्यक्ति हैं लिटिगेंट्स हैं उनको राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराना ये राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है यह कोई राज्य का चैरिटी नहीं है अब इस केस में खत्री वस्त स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया तीन चीज़ें कि ये जो फ्री लीगल एड है ये केवल न्यायालय में ही ट्रायल के दौरान नहीं ये ऐट द टाइम ऑफ इंट्रोगेशन जब अन्वेषण हो रहा है तो भी एट द टाइम ऑफ ट्रायल विचारण हो रहा है तो भी मीन्स राइट फ्रॉम द इंट्रोगेशन एंड टिल द कम्पलीसन ऑफ ट्रायल जो इंडिजेंट पुअर जो पुअर लिटिगेंट्स हैं दे आर एंटाइटिल्ड टू गेट फ्री लीगल एड वे सभी निर्धन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं अन्वेषण से लेकर के और मामले की समाप्ति तक ये उनका मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट right है इस दृष्टिकोण से ये तीन केस आपको इंपॉर्टेंट हैं अब पुनः स्लाइड पर स्लाइड को देखते हैं अगले मैंने इसको दिश जो सेकेंड स्लाइड बनाई है पी आई एल एन नागरिक संरक्षण नागरिक संरक्षण टू करके अब इसमें देखें कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म बार बार ये एलिगेशन लगाया जाता है एक जुडिशियल एक्टिव है पी के माध्यम से बहुत ज्यादा अब अगर ये सारे कार्य नहीं होते तो आप ये कल्पना करें कि स्थिति क्या होती यदि उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं किया होता जनहित याचिका के माध्यम से यदि ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट निस्तारित नहीं करती अगला केस आया सुभाष कुमार वर्ष स्टेट ऑफ बिहार मैंने अभी इसका जस्ट उदाहरण बताया था अपने शुरुआती लेक्चर में ही कि इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार और भोग का अधिकार यह जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है वास्तव में यह कार्य किसका है कार्यपालिका का मैंने भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यह नगर निगम का कार्य है हुँ? मैंने इसको कट कर दिया ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो मैंने अभी इसको बताया कि नगर पालिका के कार्य है अब इसको बहुत विस्तार से फिर उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को ये जानना जरूरी है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है केस मालूम होना चाहिए सेकेंड केस आप देखें एम सी मेहता बनाम भारत संघ इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ पालूटस पे थियोरी का सिद्धांत जो पालूट्स पे थियोरी जो पॉल्यूटर्स हैं जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं उनसे ही क्षतिपूर्ति ली जाए उनको उत्तरदायी ठहराया जाए एम सी मेहता बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं वायु प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हीं के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की जाए कि क्यों न उनके विरुद्ध आर्थिक दंड दंड लगाते हुए ऐसे व्यक्ति जो वायु प्रदूषण से पीड़ित हैं उनको मुआवजा उनको कंपनसेशन दिया जाए प्राय आपने देखा होगा कि आगरा के ताजमहल को ताजमहल पे जब आसपास की फैक्ट्रियों के द्वारा जो है वायु एयर पॉल्यूशन से वे प्रभावित हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि हमारी कल्चरल हेरिटेज है हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है और यह नुकसान हो रहा है वायु प्रदूषण से तो वहाँ पे जो आसपास की जो फैक्ट्रियाँ थी उनको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया कि यहाँ से इनको कुछ दूर ले जाया जाए जिससे कि हम इनको ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें फैक्ट्रीज़ अगर कोई जो कारखाने हैं उससे पालू उससे ऐसे पॉइजनियस गैस निकल रही जहरीली गैस निकल रही है जो मानव स्वास्थ्य को दुष्प्र प्रभावित कर सकती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पालूटस पे होगा उनके ऊपर पेनाल्टीम पोष किया जाए उन्हीं के पैसे से वह व्यवस्था की जाए जिससे कि वायु प्रदूषण दूर हो इस केस में भी कॉमन काज तीसरा केस स्लाइड पर देखें तीसरा केस है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इसमें इस केस में क्या है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ कैसे इस जनहित याचिका के माध्यम से आ, भारत में जो ब्लड बैंक हैं उनकी स्थिति सुधरी है आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक में प्राय एक ऐसा समय था कि व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया गया किसी बीमार व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया गया हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि जो ब्लड बैंक हैं उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं किया जो जो उसको ब्लड प्रिजर्व करने के लिए साइंटिफिक रिक्वायरमेंट होती है वह उसको पालन ही नहीं किए एक संस्था थी कामन कॉज ने इस मामले को जनहित पूरे देश में उसने अध्ययन किया कि पाया कि यह ब्लड बैंक में जब पूछा गया ब्लड बैंक मालिकों से जो वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति थे उनसे पूछा गया कि इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर क्या है इसमें और अखबार में एक समाचार पत्र समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हो गया कि भारत में ब्लड बैंकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और ब्लड बैंक में ब्लड भारत में रक्त चढ़ाने से व्यक्ति प्राय मर जाते हैं उस लेख के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने और लेख के जो प्रकाशित लेख था उसके आधार पर कॉमन काज जो गैर सरकारी संस्था है एन है कॉमन काज और इसको इसने पी आई याचिका दायर किया कि ब्लड बैंक की स्थिति भारत में स्थिति सही नहीं है क्योंकि यह भी आर्टिकल इक्कीस ट्वेंटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अगर किसी भी मरीज को या मरीजों के बहुत पूरे भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर अगर ख़राब पॉल्यूटेड अगर ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं खराब रक्त अगर चढ़ाए जा रहे हैं जिससे व्यक्ति मरीजों की मृत्यु हो रही है तो निश्चित रूप से यह जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम जब आर्टिकल ट्वेंटी से इसको जोड़ देंगे तो जितने भी ब्लड बैंक ओनर हैं मालिक हैं वह एक उनके ऊपर भी एक लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी उनको हम जवाबदेह बना सकेंगे और संबंधित राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया गया कि वे प्राइवेट और सरकारी दोनों ब्लड बैंकों में यह सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ जो ब्लड रखा जा रहा है वह एक वह जो वैज्ञानिक मानदंड है उसके अनुरूप रखा जा रहा है तब से पूरे भारत में ब्लड बैंक की स्थिति सुधरी है इसके पश्चात आप देखें स्लाइड पर मैंने सिलाबार बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर नाइनटीन एटी थ्री नीलावती बिहारा स्टेट ऑफ ओडिशा और तीसरा केस मैंने लिखा है प्रेमशंकर शुक्ला वर्ष दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जनहित याचिका के माध्यम से अभियुक्तों के अधिकार कैसे रिकॉग्नाइज किए गए कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किए गए और ये कैसे कंपनसेशन के लिए जो जनहित याचिका के माध्यम से जस्टिस टू जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ जस्टिस है जो अपराध पीड़ित हैं उनको न्याय कैसे प्रदान किया गया अभियुक्तों को कैसे पीआईएल के माध्यम से न्याय प्रदान किया गया ये मैंने आपको विस्तार से भी बताया तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिलाबार से बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में भी एक पत्रकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा गया कि महिला कैदियों के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता है इसमें शिलाबारसे ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा कि महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्यों के जिलों में भी जो महिला कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है जेल में और ये एलिगेशन जो आरोप लगाए गए थे सत्य पाए गए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जनहित याचिका के माध्यम से देखिए उस पत्र को ही रेड प्रसन्न मानते हुए यह भारत सरकार को यह निर्देश किया संबंधित राज्य को निर्देशित किया कि वे अपने यहाँ महिला कैदियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्या, क्या क्या कदम उठाएंगे उसका एक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से इस मामले में भी जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है हम इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहें न्यायिक सक्रियता कहें दूसरी बात एक केस मैंने जो उस पर लिखा है नीलावती बिहरा वैसे स्टेट ऑफ ओडिशा या यार नाइनटीन नाइन्टी थ्री आप उसको देखें स्क्रीन पर ये सारे छात्र सभी जानते होंगे कस्टोडियल डेथ का मामला है इसमें मृतक की मां के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा जाना कि उसके पुत्र की मृत्यु जो है कस्टडी में हुई थी पुलिस कस्टडी में हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्य साक्ष्य के आधार पर जो उसमें मृतक उसके नीलावती बेहरा के जो मृतक पुत्र के शरीर पर जो चोट के निशान थे उससे साबित हो गया कि उसके पुत्र को पुलिस अभिरक्षा में मारा पीटा गया होगा टॉर्चर किया गया होगा और मृत्यु के पश्चात उसको आत्महत्या में कन्वर्ट करने के लिए उस मृतक शरीर को उस बच्चे के शव को वह रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया बागल जो पुलिस स्टेशन के बगल में ही रेलवे ट्रैक था वहाँ पे पुलिस वालों ने फेंक दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के रजिस्टर में जो रजिस्टर में वो एंट्री मेंटेन करते हैं कि जिस जो कोई भी एक्यूज़ को पकड़ के लाते हैं किस टाइम पर पकड़ अरेस्ट किया गया टाइम प्लेस उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब आपने अरेस्ट किया टाइम उससे मैंशन कर दिया एक बात तो साबित हो गई कि आप उसको बुलाए थे दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिवील हो गई कि उसके जो शरीर के में अंदरूनी जो चोटें आई थी वह जो काज ऑफ डेथ था जो मृत्यु का कारण था वह चोट थी उसमें इंजरी थी और इसको आत्महत्या में कन्वर्ट करने के लिए आप पुलिस वालों ने ऐसा किया होगा तो संबंधित उस तो इसमें देखिए नीलावती बेहरा के केस में जो पीड़िता की माँ है नीलावती बेहरा ने जब सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा तो उसके लेटर को ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मानते हुए और संबंधित राज्य उड़ीसा राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह पीड़िता वह जो मृतक की माँ नीलावती बेहरा है उसको एक लाख पचास हजार रुपये वर्ष उन्नीस सौ तिरानवे में पर प्रतिकर देने के लिए कंपनसेशन देने के लिए निर्देशित किया और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी उच्च माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया स्क्रीन पर तीसरा इसमें जो केस देखें प्रेम शंकर शुक्ला वर्ष दिल्ली प्रशासन इस केस में भी हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध संरक्षण को संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी से जोड़ा गया कि जब तक यह यह आशंका ना हो कि अभियुक्त भाग सकता है फरार हो सकता है पेशी के दौरान तब तक किसी भी अभियुक्त को जेल के भीतर बेड़ियों में रखना जंजीरों में जकड़ के रखना वो उसके अधिकार पर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है केवल एक दशा में उसको बेड़ियों पर उसके जंजीरों में रखा जा सकता है अगर वह बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल है कई बार भागने का प्रयास किया है भागने की संभावना है तभी उसको रखा जाए वरना हथकड़ी लगाए जाने के प्रश्न से वरना किसी भी अभियुक्त को पे के दौरान या कभी भी किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी ना लगाया जाए या जेल में जंजीरों में ना बांधा जाए अब इसको देखें नेक्स्ट जो लास्ट मतलब इसमें मैंने पी को लिखा है अगर आप देखेंगे कि मैंने दो बातें बताई नहीं जितने जितने केस बताया कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में सामाजिक न्याय या भारत में सामाजिक परिवर्तन में जनहित याचिका की क्या भूमिका है तो उस पर बहुत सारे केस आप लिख सकते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में पी का क्या रोल है तो उसमें मैंने आपको बताया राइट टू सेल्टर राइट टू फूड हाँ आश्रय का अधिकार राइट right टू मेडिकल एड चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार अब उसी तरह से अगर पी का रोल भ्रष्टाचार को उजागर करने में क्या रहा है भारत में तो आप इसको देखें मैंने इसमें लिखा हुआ है टू जी स्पे, टू जी स्पेक्ट्रम केस कोलगेट स्कैम आदर्श सोसाइटी स्कैम कॉमनवेल्थ स्कैम कुछ ऐसे भारत में मामले रहे हैं जिसको कि आप देखेंगे कि पीआईएल आई जनहित याचिका के माध्यम से आ, सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सपोज किया कि उसमें कुछ अधिकारियों की संलिप्तता थी और वे <coughs> पब्लिक फंड के जन पब्लिक फंड का मिस करने के दोषी पाए गए मैंने जो आपको स्लाइड पर बताया कि कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था टू स्पेक्ट्रम केस है कोलगेट स्कैम है कोल आवंटन हुआ था कि जो कोल ब्लॉक्स हैं वह किसी जो कोल मिनिस्टर थे तत्कालीन कोल मंत्री के द्वारा जो है अपने ही लोगों को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया था इसको भी लेकर के जनहित याचिका आदर्श सोसाइटी एक बनी थी महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी स्कैम पी के माध्यम से एक्सपोज किया गया कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में उस कॉमनवेल्थ गेम में भी पब्लिक फंड का बहुत मिस किया गया था और आपने देखा होगा कि बहुत सारी व्हीकिल यूज की गई थी गाड़ियाँ यूज की गई थी जो व्हीकिल का पैसा सरकार ने वहीकिल को दिखाया था वास्तव में वो फोर व्हीलर ना होकर के टू व्हीलर थी जब गाड़ी का नंबर चेक कराया गया था तो ये सारे स्कैम जो है इस पीआईएल ने भी इन सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण मामले हैं इसको भ्रष्टाचार के मामले हैं इसको जनहित याचिका के माध्यम से एक एक्सपोज करने में उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो मैं एक समझ सकता हूं कि मैंने जुडिशल एक्टिविज्म से लेकर के आपको संविधान के आर्टिकल थर्टी टू टू ट्वेंटी सिक्स जनहित याचिका कौन कर सकता है जनहित याचिका किन किन मामलों में और कौन कौन से अधिकार जनहित याचिका के द्वारा भारत के नागरिकों को उपलब्ध हुए हैं जनहित याचिका के अंतर्गत समाज सुधार में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रही है सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने में जनहित याचिका और उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रही है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से हम भारत को एक नई दिशा दे पाए हैं भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी बना पाए हैं समाज भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना पाए हैं ये कहाँ तक सफल रहा है तो आप अपने आर्गूमेंट को बहस को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से और जब आप देखेंगे विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जितने भी अधिकार नए राइट्स देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत इक्कीस के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण हमको मिले हैं और किसी भी क्षेत्र में हो चाहे मानव मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न हो या अभियुक्तों के अधिकार अभियुक्त के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न हो या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रश्न हो जो कुछ भी जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकार की समीक्षा की है रक्षा की है बल्कि एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापित करने के लिए भी उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे और जितने भी मैंने आपको ये प्रश्न जितने भी मैंने आपको पी से संबंधित सूचनाएँ दी हैं वे सूचनाएं आप सभी को आने वाली परीक्षा प्रिशा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शत प्रतिशत जो है आपके लिए लाभान्वित होंगी इसी व्याख्या इसी शब्द के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद